हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में साउथ इंडियन फिश करी बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए हमें किन किन मसालों की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमने ली है खड़ी लाल मिर्च, लहसुन लिया है और काली मिर्च ली है जो खड़ी लाल काली मिर्च है, और साथ में धनिया के बीज लिए हैं, कोरिएंडर सीड्स, एक प्याज की आवश्यकता होगी। यहाँ पर इमली को मैंने जो है भिगा कर रख दिया है, इमली की ज़रूरत पड़ती है बहुत टेस्ट अच्छा लाने के लिए। साथ में यहाँ पर आधा के करीब आधा कोकोनट, कच्चा कोकोनट मैंने लिया है, और यहाँ पर एक चम्मच के करीब जीरा है। तो अब जो है हमें इन्हें सूखा ही फ्राई करना है, तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम खड़ी लाल मिर्च को, यहाँ पर पैन मैंने ऑलरेडी गर्म कर दिया है, तो इसे हम हल्का बिल्कुल धीमी आँच में हम इसे फ्राई करेंगे, तो इससे जो है हमारी फिश करी में बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा। धीमी आंच में खड़ी लाल मिर्च अब पूरी तरह से भुन चुकी है, बहुत बढ़िया से खुशबू आ रही है, तो सबसे पहले हमें इसे ही भूनना होगा। तो क्योंकि हम दूसरे मसालों के साथ इसे नहीं भून सकते हैं, क्योंकि इसे भूनने में थोड़ा समय लगता है, तो मैं अब इसे निकाल देती हूँ। अब जो है मैं करूँगी क्या कि धीरे धीरे से जो है ये कोरिएंडर सीड्स और इसी के साथ मैं फ्राई कर देती हूँ जीरा। हमें इन्हें सूखा ही भूनना है, ये जीरा है एक चम्मच के करीब है, जीरा बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, और साथ में ये ब्लैक पेपर के जो है दाने, हमें इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है, और लहसुन और नारियल, ये जो कच्चा नारियल और लहसुन है इसे हम बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे, इसे हम मसाले के साथ ही पीस लेंगे। मैंने गैस ऑफ कर दी है, ये भून चुका है ये वाले मसाले अच्छी तरह से। अब हम एक एक करके सब इसी जार में डालते जाएंगे। ये लाल मिर्च जो हमने फ्राई की थी, सूखा ही रोस्ट करना है फ्रेंड्स, और साथ में ये लहसुन आप चाहें तो डालें, वरना कम भी डाल सकते हैं, इससे थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी हो गया तो इससे भी बहुत बढ़िया स्वाद आता है। तो अब ये जो मैंने नारियल ग्रेट करके रखा हुआ था, नारियल भी इसी में पीस लेंगे। ये साउथ इंडियन फिश करी के लिए हमें जो है नारियल डालने से बहुत बढ़िया स्वाद आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला पूरी तरह से ग्राइंड हो चुका है, तो जो भी मसाला हमने रोस्ट किया था वो हमने एक ही साथ इसमें पीस लिया है, केवल टैमरिन और प्याज उसे हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर प्याज मैंने काट कर रख लिया है, तो इसे हम सबसे पहले इसमें, ये रिफाइंड ऑयल है, मैंने एक चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है, तेल गर्म हो चुका था, तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज फ्राई होता है उसमें ये ग्राइंडेड मसाला जो है वो डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है, हल्का हल्का सा, जैसे ही ये ब्राउन होता है, ये मसाला जो है हमने जो ग्राइंड किया था, मैं आपको बता देती हूँ कि मसाला ग्राइंड करते समय मैंने करीब इतना आधा ग्लास इसमें पानी डाला था, क्योंकि पहले फ्राई, जब भी हम ग्राइंड करते हैं ये थोड़ा सा सूखा सूखा सा लगता है, अच्छी तरह से नहीं पिसता है, थोड़ा सा पानी डालने से, क्योंकि इसमें नारियल होता है तो अच्छी तरह से पिस जाता है पानी डालने के बाद। तो अब यही मसाला मैं इसमें डाल देती हूँ। इससे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसी मसाले में डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया है, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिए अपनी ग्रेवी में। ये फिश करी बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप इस तरह से बनाकर खाइएगा, स्वाद के अनुसार हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट, थोड़ा ही सॉल्ट डालेंगे, बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि फिश को मैरिनेट करते समय हमने हल्दी और नमक से उसे मैरिनेट किया हुआ है ऑलरेडी। तो अब इसे हम जो है कम से कम 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से उबलने देंगे। ये हमारी ग्रेवी बॉईल हो रही है और मैं इसमें डाल देती हूँ इमली, जिसे मैंने भिगो के रखा हुआ था, आप चाहें तो फिल्टर कर सकते हैं। तो ये मेरी इमली बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने धो ली थी, तो अब जो है मैं इसे इसमें ऐसे ही डाल देती हूँ।
इस तरह से। फिश को हमने मैरिनेट करने के लिए आधा घंटा रख दिया था नमक और हल्दी में, तो अब मैंने नमक और हल्दी से निकाल कर हम इस करी में डाल देते हैं। धीरे धीरे हमें इसमें डालना है पानी। अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी बॉईल हो चुकी है, तो अब इसे हमें पकाना है कम से कम 7 से 8 मिनट तक। ये देखिए दोस्तों, 6-7 मिनट के बाद हम इसे खोलकर देखते हैं, हमारी फिश करी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। बहुत बढ़िया सी खुशबू इसमें आने लगी है, तो अब जो है ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे चाहे तो चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए, लेकिन चावल के साथ ये ज़्यादा डिलीशियस लगती है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके बताइएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को। इसी तरह से हम बहुत सारी रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे फ्रेंड्स। बाय।